साथ रहता है, हमसे सीखता है, लेकिन हम एक गलती के कारण हमको ऊपर अपनी
पानी भरकर आ रही होती है और वो घर में आकर देखता है कि बच्चे के पानी के नीचे सांप मरा पड़ा है। उस पानी के नीचे, वो झूले के नीचे क्या है? सांप मरा पड़ा है। फिर वो आती है, वो कुछ सोचे बिना, ना तो उसने पहले अपने बच्चे का झूला देखा, कुछ भी नहीं देखा, डायरेक्टली उसने क्या किया, उस झूले में, झूले को देखे बिना ही उसने क्या किया, वो नेवले को मार दिया। उसने उस औरत ने क्या किया, उस नेवले को लकड़ी से मारा और वो नेवला मर जाता है। उसके बाद वो स्त्री झूले की तरफ आकर देखती है तो देखा तो उसका बालक खेल रहा है, आराम से झूले में सो रहा है। और फिर वो स्त्री को अपने ऊपर पछतावा होता है, हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बच्चों, कोई भी कार्य करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए, हमें उसका अंजाम, उसका अंत। उसे औरत ने अगर आकर पहले अपने बच्चे का झूला देख लिया होता तो शायद नेवला जिंदा होता, क्योंकि उसने उसके बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारा और उस औरत ने गलत समझा, इसकी सजा नेवले को मिली है कि नहीं। इसीलिए कभी भी हमें पहले सारी चीजें सोच लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें मानना चाहिए। तो चलिए, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को क्या किया है, उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से परेशानी भी हो सकती है, चाहे काम गलत हो, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हमें एक दूसरे से पूछ लेना चाहिए। लेकिन हमें कोई भी कार्य करने से पहले सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, उसके सारे पहलू को समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें वो कार्य करना चाहिए। कभी कभी जल्दबाजी